गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप में मध्य का मीडियन होता है। मीडियन किसी भी श्रेणी में या किसी भी संख्याओं में, समूहों में, समक मालाओं में जो मूल्य है उसको क्रमबद्ध तरीके से, चाहे अवरोही क्रम में हो चाहे आरोही क्रम में, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो उस मूल्य के मध्य का मान होता है उसे हम मध्य का कहते हैं। मध्य का को ज्ञात करने के लिए सूत्र है अपने जो सारणी होती है उस हिसाब से, व्यक्तिगत सारणी, तीन प्रकार की सारणियां होती हैं। एक होती है अपने पास, उसमें मध्यता को ज्ञात करने का जो सूत्र है अपना वो इस प्रकार से होता है, एम बराबर व्यक्तिगत सारणी में सारणी होती है उसमें इसका सूत्र भी यही होता है, m बराबर n प्लस 1 / 2 i। और लास्ट में जो अखंडी सारणी होती है, अखंडी सीरीज होती है, उसमें अपना सूत्र होता है, सबसे पहले आइटम नंबर ज्ञात करते हैं, m बराबर n / 2 i, और उसके बाद में एम बराबर एल वन जो भी ग्रुप अपन को प्राप्त होता है उसकी लोअर लिमिट प्लस जो भी मान प्राप्त हुआ है उस ग्रुप का क्लास है, जो भी मान प्राप्त हुआ है उस ग्रुप का क्लास आई अपन उस ग्रुप की बारंबारता, उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में जो मान प्राप्त हुआ हो और उस ग्रुप से ऊपर की सीधा मतलब संचयी बारंबारता। इस प्रकार से अलग अलग सूत्रों के द्वारा हम मध्यता को, जो मध्य मान होता है उसको ज्ञात करते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं किस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों में मध्य का उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है, उसमें 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं, 70, 45, 10 विद्यार्थी हैं उनके प्राप्तांक दे रखे हैं 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं, इसके आधार पर अपन को मध्य मान निकालना है। तो सबसे पहले सारणी बनाएंगे अपन, उसमें इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, विद्यार्थियों का नाम दे रखा है गुणा उनको उनके क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जो सबसे ऊपर रहता है,
जो सबसे ऊपर मार्क्स है उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे कम वाले को सबसे कम मार्क्स किसके हैं? सबसे कम है 45, एक नंबर में 45। एक प्रकार से वो आरोही क्रम में जमा लेंगे। उसके बाद में है 60, उसके बाद में है 69, उसके बाद में है 70, के बाद में है 75, जो के हैं 75, और फिर 80, 81 एंड 90। इस प्रकार से इनको अपन ने एक क्रमबद्ध तरीके से जमा किया है आरोही क्रम में। अब अपन इसकी मर्यादा ज्ञात करते हैं। तो मर्यादा का व्यक्तिगत सारणी में सूत्र होता है n बराबर n प्लस 1 अपॉन 2। तो n बराबर टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है अपने पास? 10 विद्यार्थियों की है। तो n बराबर 10 प्लस 1 अपॉन 2 आई, मतलब 75 अपने मध्यगा होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, वो देखते हैं अपन एक खंडित सारणी में, एक खंडित सारणी में मध्यमान को ज्ञात कैसे करें। मध्यगा को खंडित सारणी में अपने पास दो चीजें प्राप्त है, क्वेश्चन है अपने पास डिजिट्स और दूसरी चीज है अपने पास नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी। डिजिट्स है 100 रुपए वाले, 500 वाले, 1000 वाले, 1500 वाले, 2000 वाले और 1000 वाले। 100 रुपए, 500 वाले, 1000 वाले, 1500 वाले, का मूल्य वाले श्रमिक हैं। अब तीसरी सारणी अपनी अखंडित सारणी। अखंडित सारणी में मध्यगा को ज्ञात करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। अपने पास एक इलस्ट्रेशन है जो है 0 से 5 वर्ग वाले, 5 से 10 वर्ग वाले, 10 से 15 वर्ग वाले, 15 से वाले और 20 से 25 वर्ग। ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन है। इसमें इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, 8,
दस, नौ और आठ। इसकी सीएम निकाल लें, पांच आठ पांच तेरह, तेरह और दस तेईस, तेईस और नौ तीस, बत्तीस, बत्तीस और आठ चालीस, एन बराबर चालीस। अब सबसे पहले ज्ञात करेंगे अपन कि कौन से रूप की मध्यिका है, कौन से रूप में मध्यिका रूप है। तो एन चालीस बटा दो जिसमें फ्रीक्वेंसी 20 आती है वो ग्रुप अपना मध्यिका रूप रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो भी ऑनलाइन लेक्चर देंगे उसमें बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।